एक्सेल की सेटिंग्स है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम एक्सेल की सेटिंग्स पहले दूसरी क्लास में क्यों सीख रहे हैं। देखिए, एक्सेल की सेटिंग्स सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई हम नया डिवाइस लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे आप फोन ही खरीदते हो, आप कोई फोन ही खरीदते हो तो फोन खरीदने में क्या होता है कि आप जो है उसकी जो रिंगटोन है, उसका जो वॉलपेपर है, उसकी अलार्म सिस्टम है, वो डिफॉल्ट सेट होके तो आती है, फिर भी हम उसको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं। सेम इसी तरह आपने एक्सेल नया लिया है, इसके अंदर जो भी सेटिंग है सारे के सारे ग्लोबल सेटिंग है, लेकिन फिर भी इसकी जो है बहुत सारी सेटिंग्स जो है हम चेंज करें तो बेनिफिट हो सकता है। ये सेटिंग्स के बारे में हम पिछली क्लासेस में समझाए थे कि ऑप्शंस के अंदर में अलग अलग सेटिंग्स होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया था तो उनसे मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी टाइपिंग, एक्सेल में हिंदी टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? वो बोलते हर एक सेल पे जाके हमें अपना फॉन्ट चेंज करना पड़ता है हर एक सेल। अब 90% उनका काम हिंदी में है, 10% इंग्लिश में है, तो बोलते हैं कि मेरा हिंदी ही रहे तो मैं इंग्लिश के लिए चेंज कर लूंगा। तो ये देखिए, जर्नल में यहाँ पे अपना जो है हिंदी फॉन्ट कर लीजिए या जो भी फॉन्ट करना है, आपके हर नई फाइल में ऑटोमेटिकली वही फॉन्ट सिलेक्ट होके आएगा जो आप चेंज करेंगे। जैसे मैंने एरियल का रखा है, डिफॉल्ट कैलिबरी होता है, लेकिन मैंने एरियल कर दिया तो डिफॉल्ट नहीं होगा। सेम साइज वगैरह यही होता है। खास चीजें नहीं है, लेकिन इसमें एडवांस में कुछ चीजें खास है जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर डाउन आता है, आता है सर? आप यहां से लेफ्ट लेफ्ट और राइट जो है चूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि वो डेटा एंट्री करते हैं, आप मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड आप एंट्री कर रहे हैं, उसके तकरीबन 150 कॉलम है, तो आप जनरल लोगों क्या करता है, एंटर मारने की आदत होती है, एंटर मारते कर्सर नीचे आ जाता है, तो वो लोग जो है एंटर के जगह पे लेफ्ट या राइट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो आगे की तरफ बढ़ता जाए और एंट्री सेम रो में हो, रो चेंज ना हो। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर अभी क्या है कि इस पे अगर आपने क्लिक कर दिया तब क्या होगा कि आप एक्सेल में जो भी नंबर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली 100 से डिवाइड हो जाए। इसका यूज करते हैं हम लोग जहां पे हमें परसेंटेज में लिखना होता है और परसेंटेज का फॉर्मेट बिना अप्लाई किए हुए, जैसे कि आपको 50 की जगह पे लिखना है 0.50। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0.50 ही 50 लिखोगे लेकिन ऑटोमेटिक वो डिवाइड होता जाएगा। उसके बाद आता है फिल एनेबल। जैसे मान लीजिए कर्सर से पकड़ के ड्रैग कर देते हैं तो इसको आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं, अनचेक कर दीजिए, ये आपका ड्रैगिंग पॉइंट जो बनता है नहीं बनेगा। इसी तरह की छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि और भी चीजें यहाँ पे है, जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार यहां से रिमूव कर सकते हैं, सीट के जो नेम है यहां से रिमूव कर सकते हैं, हिडर फुटर जो है यहाँ से कर सकते हैं, पेज ब्रेक शो करवा सकते हैं या हटवा सकते हैं, जीरो को ब्लैंक, यहाँ देखिए शो जीरो एज ए, मतलब कि अगर वैल्यू जीरो शो हो रही है इसको अनचेक कर देंगे तो जीरो टाइप करेंगे तो जीरो दिखेगा, यानी ब्लैंक दिखेगा, छोटी मोटी चेंजिंग। लेकिन इसमें जो मेन है वो है कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। अब कस्टम लिस्ट क्या होता है आप किसी को जानिए, जैसे मैंने यहाँ पे जैन लिखा और हमने इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो जैन का मार्च आ गया। अब संडे लिखते हैं तो संडे को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं मंडे ट्यूजडे आ जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे पूजा लिखूं और ड्रैग करूं तो क्या है, पूजा की बाकी टीम मेंबर का नाम आ जाएगा? आपके सिस्टम में तो सिर्फ पूजा पूजा ही आएगा, लेकिन मेरे सिस्टम में देखिए पूजा, नीरज, कविता, मोहन, उदय, इंदर आ गया। क्यों आया? आपने
ग्रुप में दे रखा होगा सर वहां पे। हाँ हाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको सेट ऑप्शन के अंदर कस्टम के अंदर हमने क्रिएट कर रखा है लिस्ट। अब क्या होता है कि आपके पास कुछ सिलेक्टेड टीम लिस्ट है या सिटी लिस्ट है या प्रोडक्ट लिस्ट है, क्लाइंट लिस्ट है, ऐसा कोई लिस्ट है जिसको बार बार आप कॉपी पेस्ट या टाइप करते हो। ऐसे लिस्ट को आप या न्यू लिस्ट में जाएं और ऐड कर दो, बना एक एक करके बना, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है ना सर, और फिर ऐड पे ऐड कर दो। तो ऐसे लिस्ट ऐड होने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी फाइल के अंदर में आप कोई भी एक लिस्ट का वैल्यू लिख के जब ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा। और इसका यूज हम लोग सॉर्टिंग में भी करते हैं, जैसे आपको डेटा जो सॉर्ट करना है वो करना है मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ना कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए मेरे फाइनेंशियल ईयर का डेट मंथ सीरीज बना रखा है और सिलेक्ट कर। और ध्यान रखिएगा जो भी सेटिंग में हम चेंजिंग कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक किसी फाइल में नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन में हो रहा है, तो जो उसका इफेक्ट है वो हर एक फाइल पे इफेक्ट दिखेगा। सर एक चीज पूछना था यहाँ पे, देखिए इसका लेंथ कितना रहेगा, क्या मतलब कितने रो, कितने कॉलम का होगा? एज पर एक्सेल लिमिटेशन 256, ओके। लेकिन मैं कभी इतना किया नहीं हूं तो और मैं, इसमें इस सर एक चीज और, इसमें हम पेस्ट कर सकते हैं या हमें हाँ पेस्ट कर लिखना सकते पड़ेगा? हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। जी देखिए आप इसको सिलेक्ट कर लिया, लिस्ट अपना सिलेक्ट कर लीजिए जी और इंपोर्ट कर दीजिए यहाँ से। ठीक ओके, तो है, ये बन जाएगा। ठीक ये समझ में आ गया सर आपको? जी। इसमें छोटे मोटे ऑप्शंस है लेकिन जो जरूरत है वही चीज चेंज करना चाहिए। अब बात करते हैं कस्टमाइजेबल। सॉरी, अब ऊपर देखिए जो आपके सामने मेनू बार दिख रहा है अभी आज का सर, जैसे ड्रॉ का जो मेनू बार है मुझे नहीं चाहिए, आप यहां से उसको अनचेक कर दीजिए। या आपके सिस्टम में डेवलपर का टैब नहीं होगा तो अनचेक होगा, चेक करते ही आपको यहां पे आ जाएगा, देख ड्रॉ हट गया। तो अगर आपको कोई मेनू बार हटाना है या कोई मेनू बार वापस शो करना है तो कस्टमाइज रिबन में इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि रिबन में है ही नहीं। देखिए देखिए कमांड नॉट इन द रिबन, देखिए इतने सारे जो कमांड है रिबन में अवेलेबल ही नहीं है। अब जो कमांड आपको चाहिए उस कमांड को सिलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए, जिस मेनू बार के जिस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, कर जी। लीजिए, करके बताऊं मैं आपको। जैसे एक होता है हमारे पास फॉर्म, ले रहा फॉर्म और मैं डेटा मेनू बार में फॉर्म को ऐड करना चाहता हूं। अब किसमें ऐड करूं अगर मैं इसको क्लिक करके ऐड, क्योंकि ये सब फुल है, ये प्री डिफाइंड है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता, तो आपको एक बनाना पड़ेगा न्यू ग्रुप। अब इसमें इसको ऐड करें, ऐड हो गया, देन ओके कीजिए। अब डेटा मेनू बार के अंदर में आप जाते हैं तो ये देखिए आपके सामने फॉर्म्स, ठीक है। तो कस्टमाइज रिबन में अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आता है क्विक एक्सेस टूल बार, यह सर ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये जो कुछ बटन्स दिखे हुए हैं इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब जो कमांड ऐसे कुछ कमांड होते हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पांच सात कमांड ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसको ऐड कर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर ऐड कर रखा है, इसका बेनिफिट क्या होगा कि इसे मुझे अप्लाई करना होगा, तो मुझे ऑल्ट की प्रेस करना है। ऑल्ट की प्रेस करते ही ऊपर देखिए ये टू आ गया, देखिए ऑल्ट। अब यहाँ पे इस पे क्लिक कर दू या फिर टू नंबर प्रेस कर दू अप्लाई, ये शॉर्टकट बन गया ऑल टू।
ठीक है सर। राधे श्याम जी, जी समझ में आ गया? जी जी सर समझ में आ गया। अब इसका बेनिफिट समझ में पा रहे कि नहीं मानेगी, बेनिफिट क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है ये समझना बड़ी बात नहीं है, वो तो आप एक्सेल हेल्प से भी समझ सकते हैं, बट इसकी बेनिफिट, इसकी यूटिलाइजेशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कस्टम लिस्ट के बारे में बताया कि उसकी बेनिफिट, उसकी यूटिलाइजेशन है कि आपके पास ऐसे लिस्ट होंगे जो बार बार टाइप करना होता है, ऐसे लिस्ट का आप ला सकते हैं ताकि ऑफिस में आपको बार बार टाइप करना ना पड़े। ठीक है सर, बात करते हैं कि चलो आप क्लासेस हमारी ले रहे हैं, आप हमारी क्लासेस ले लेंगे, महीने दो महीने की बात खत्म हो जाएगी आपकी, अब साल दो साल बाद आप चीजें, कुछ चीजें भूल जाओ। जैसे हो सकता है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आपको याद था बट यू फॉरगेट, भूल गया, पर थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो आप उसको वापस रिकवर कर सकते। तो मैं इस पे जस्ट कर्सर रखूंगा, एक स्कीम टिप्स मुझे मिल गया, दिख रहा है सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इजीली स्पॉट ट्रेंड एंड पैटर्न इन योर डेटा यूजिंग द बार्स कलर एंड आइकन्स विजुअल हाईलाइट एंड इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग जो है क्या बोलते हैं पब्लिक स्कूल से पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो राजकीय उच्चकित विद्यालय से पढ़े थे उनको समझना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उनके लिए यहाँ टेल मी मोर ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही पूरी की पूरी विजुलाइजेशन, मतलब कि सॉरी क्या हो ठीक बोल रही, पूरी की पूरी विजुलाइजेशन और पूरी की पूरी यहाँ पर देखिए वीडियोस के साथ पूरा एकदम डिटेल में अलग अलग। पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग इसका यूज जो है इसमें करते हैं गूगल पे। आपको कोई चीज की प्रॉब्लम होती है तो क्या इस पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। बट गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्या होता है, किसी ने किसी वेबसाइट ब्लॉग आर्टिकल से लेता है, गूगल खुद से थोड़ी देता है, गूगल के पास खुद का कुछ नहीं है। तो हो अब प्रूफ रीड तो नहीं ना है, वो तो किसी की आर्टिकल है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको वेरीफाई तो नहीं किया है कि हाँ इन्होंने करेक्ट लिखा होगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक्सेल हेल्प में जो चीजें मिलेगी वो 100% आपको करेक्ट होगी। जैसे कि मैं बात करूंगा लिमिटेशन की, कि किस फीचर्स का मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो इसी सर्च बार में आप सर्च करें लिमिट, आप इसको ऊपर भी सर्च कर सकते हैं या F1 प्रेस करके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे फीचर्स एंड मैक्सिमम लिमिट, जैसे कि ओपन वर्कबुक, यहाँ अब कुछ लोग बोलते हैं अनलिमिटेड। देखिए जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी अपने कंप्यूटर के अंदर में, किसी भी कंप्यूटर, नॉट मेरी कंप्यूटर, अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता है। देखिए जब भी हम कुछ इवेंट करते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो मेरी मेमोरी में चाहे वो रैम हो चाहे वो हमारा हार्ड डिस्क हो, एक छोटा सा स्पेस कैप्चर किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा रैम और हमारा मेमोरी लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। तो आज मैं कल तो उस फील होगा ही होगा, क्या सर आज ना कल तो फील होगा ना सर, इसलिए उसको अनलिमिटेड कहना सही नहीं। ये कह सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन सिस्टम कैपेसिटी। क्या राजा जी मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़े, इसी तरह से लिमिट सर्च की। अब इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, बिना स्टडी कुछ नहीं हुआ सर।
इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा ऑप्शंस की, मुझे शॉर्टकट भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं पहले दिन दूसरे दिन बच्चों को शॉर्टकट समझा देता हूँ, इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्टकट अगर यूज किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा कमांड यूज किया, इसलिए मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल आपको चेकबोर्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स आपको यहां मिल जाए। ठीक है सर, सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको यहां। अब जो है इसको अब रट्टा मारने से नहीं होगा कि आप इसको संस्कृत के श्लोक या बच्चे का जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला कविता की तरह इसको रट जाए तो बस पल नहीं है, क्योंकि इसको चाहिए प्रैक्टिस। जैसे आप एंटर प्रेस करने के लिए सोचते नहीं हो, आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिक उंगली की ऑटोमेटिक कीबोर्ड के एंटर की पे चला जाता है, आप कीबोर्ड पे देखते भी नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इतना टाइम एंटर प्रेस किया हुआ है कि आपका माइंड और आपके हाथ के बीच में गैप बन रहा है, बल्कि पूरा कंबाइन हो रखा है। जैसे कंट्रोल सी करने के लिए आपको कीबोर्ड पे बहुत कम देखना पड़ता है, नहीं भी देखना पड़ता। तो उसी तरह से आप हर एक चीज की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी और आपका ध्यान जो है उंगली पे कम जाएगा। ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए शुरुआत में आपका जो है बहुत ज्यादा ये होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको बोलता हूँ कि आप लोग क्या करें कि आपके ऑफिस में घंटे दो घंटे का ऐसा टाइम होगा जहां पे काम बहुत कम हो, ऐसे सिचुएशन ऐसे जो जहां पे आपके ऐसे टाइम जहां पे आपके पास काम बहुत कम हो, उस समय आप जो है माउस से बिल्कुल यूज ना करें, कीबोर्ड यूज करें। धीरे धीरे वो घंटे दो घंटे का टाइम पूरे के पूरे ऑफिस आवर में कन्वर्ट। आप ये अनेजिंग कीजिए ना कि आप किसी कंपनी में गए इंटरव्यू करने के लिए और एक्सेल की प्रैक्टिस, एक्सेल पे आपको टेक्निकल टेस्ट के लिए बैठाया और माउस बिल्कुल नहीं छू रहा है, एकदम खटाखट 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 इस तरह की आवाज आ रही है, तो उस सामने वाले के पास इंप्रेशन अलग होगा ना सर। क्या रवि जी सही बोल रहा हूँ? एकदम सही सर, ये होना भी चाहिए। तो ये चीजें प्रैक्टिस से होगी ना सर, ऐसा तो नहीं ना होगी। अब बात करते हैं टेम्पलेट्स की। अब जैसे कि आप जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स, इसका इस्तेमाल तो आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको इनवाइस बनाना ही है, तो आपने यहाँ पे इनवाइस सर्च किए, इनवाइस के टेम्पलेट आ गया, क्लिक कीजिए और इनवाइस का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। बस इसी के जो लेजेंड्स है, जो फील्ड्स है, वो आपके हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए और इनवाइस विल बी रेडी। ठीक है, लेकिन क्या हम अपने ऑफिस के फॉर्मेट में बन सकते हैं? देखिए आप ऑफिस में आपको जो रिपोर्ट बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं? प्रीवियस रिपोर्ट को क्या करते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट को आप सेव एज करते हैं नए रिपोर्ट्स में। क्या प्रीवियस रिपोर्ट को सेव एज करते हैं नए रिपोर्ट्स में और उसकी जो पीछे की जो डेटा है उसको डिलीट करके और फिर उसको नया डेटा फीड करते हैं। ये करते हैं सर। तो आप एक काम करें, एक फॉर्मेट मैं आपके सामने एक फॉर्मेट डिजाइन कर रहा हूं छोटा सा, डेली
सेल टाइम लोकेशन पार्टिकुलर यहां से लिया मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको भी अंडरलाइन कर दिया, ठीक है सर। अब इसको आप जो है इसमें बेस लेयर में जाते हैं और इसको हम ये ब्लाइंड हटा देते हैं। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट है जो कि हर दिन आपको फील करना होता है। तो आप क्या करते हैं कि आप इसको सेव एज करते हैं नया डेट में, और कल जो आपने फील किया था उसको डिलीट करते हैं और फिर नया से फील करते हैं। एवरी टाइम यही करते हैं सर, मान लीजिए। तो अब मैंने क्या किया कि इसको सेव एज कर दिया, इसको हमने सेव एज कर दिया, डेस्कटॉप पे कर देता हूं। डेस्कटॉप पे हम सेव एज कर देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं कैश, और इसको यहां वर्कबुक के जगह पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेल टेम्पलेट, और यहां पे सेव। मैं इसको क्लोज कर सकता हूं। अब देखेंगे कि जो जो कैश का एक तो आइकन अलग है, दिख रहा है आइकन आपको, एक अलग आइकन है, एक रजिस्टर की तरह है जो कि डॉक्टर लोग पर्ची नहीं मारते हैं उस तरह की है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए कैश नाम होगा कैश वन, जैसे बुक वन बुक टू ओपन होता है ऐसे देखिए कैश वन ओपन होगा, और एवरी टाइम आपको ब्लैंक देगा। कुछ भी टाइप कीजिए, जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे और सेम एज होगा, मतलब आपकी ओरिजिनल फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगी। और जब भी ओपन करेंगे कैश वन कैश टू कैश थ्री इस तरह से ओपन करेगा, जैसे कैश वन एक बार में कई सारे भी ओपन कर सकते हैं। अब देखिए कैश टू, ठीक है सर। तो सर ये केवल इसी टेम्पलेट के साथ ही एप्लीकेबल है या कोई भी एक्सेल फाइल के साथ? नहीं, सिर्फ टेम्पलेट के साथ, टेम्पलेट के साथ, राइट। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आज हमने आपके साथ फाइल मेनू बार में फेस कर दिया। और राधेश राम जी आप देख लीजिए फाइल मेनू बार में छोटी मोटी चीजें थी, बड़ी चीजें थी नहीं। कल से हम बात करेंगे होम मेनू बार, और कल का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एडवांस पेस्ट स्पेशल, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट तो आपको आता ही है, लेकिन पेस्ट स्पेशल में कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा। ये चीजें हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके बाय बाय सर, बाय। तो काम है कि आप लोग शॉर्टकट्स और लिमिटेशन दो का स्टडी करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है।